हमारा घर चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मजलूम माँ समेत तीन मासूम बच्चियों की आई पंजाब से नजायज कब्जों के खिलाफ इंसाफ की अपील। डिविजनल ब्यूरो चीफ आदिल मुनीर की रिपोर्ट के मुताबिक शहर इकबाल में बासर अफराद ने अपने रुपए पैसे असर रसूख और ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गरीब खानदान से इसका घर छीन कर नाजायज कब्जा करके जुल्म की एक नई दास्तान कायम कर दी। मुतासर खानदान का कहना है कि अक्रम वल्द गुलाम महमूद सकरा रहमताबाद अदालत ग्रां सियालकोट वगैरह ने रुपये पैसे असर रसूख और ताकत के जोर पर हमारा तीन मंजिला घर जो कि अदालत ग्रां रहमताबाद सियालकोट में वाकया है बमा दुकान ने हमसे छीन कर 10 माह से हमारे घर पर नाजायज कब्जा करके हमें बेघर कर रखा है। हम लोग पिछले 10 माह से इंसाफ के लिए दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा, हमारी फरियाद कोई नहीं सुन रहा। अगर हम इंसाफ के लिए कोई दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमारे ऊपर हवाई फायरिंग की जाती है और जान से मार देने की धमकियां दी जाती हैं और डराया धमकाया जाता है। खमीरा बीबी का कहना है कि मेरा खावंद मेहनत मजदूरी करता है और मेरी तीनों ही छोटी छोटी बच्चियां हैं, मुझे इंसाफ चाहिए और मैं और मेरी तीनों मासूम बच्चियां टीपीओ सियालकोट आईजी पंजाब और वजीर अला पंजाब और वजीर अजम पाकिस्तान से अपने साथ होने वाले जुल्म पर इंसाफ की अपील करती हूँ।